नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्या और मेरे चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नई रेसिपी लेके आए हैं आप लोग से शेयर करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पालक के पराठे हैं। ये पालक के पराठे बनाना बहुत ही आसान है, और कुछ मैं नए ट्रिक से बताऊंगी। न इसको आटा गूंथने की झंझट रहेगा और न बेलने की। बिना आटा गूंथे और बिना बेले पराठा मैं बनाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये पराठा बिल्कुल एकदम नरम है, एकदम कागज की तरह, जैसे एकदम होता है ना, एकदम से नरम है। और ये किधर से टूटेगा भी नहीं, एकदम बढ़िया, सुपर हेल्दी। ये पूरा आयरन और विटामिन से भरपूर ये पराठा है। ये बच्चे बड़ी चाव से, पसंद से, और बड़े भी खाते हैं। सुबह के भाग दौड़ में अगर जो ये पराठा बनाए, ये बहुत जल्दी बन जाता है। टिफिन में ले जाएं या घर पे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बनाना। तो पालक का पराठा बनाने के लिए फ्रेंड्स, इसी तरह के पालक चाहिए। ये पालक हमारे ताज़ा हैं, और इसको धुल करके इसका पानी सारा मैंने निकाल लिया है। तो इसको बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे, और इसको इस मिक्सिंग बाउल में हम इस तरह से जार में हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका से बताने जा रही हूँ, इस तरह आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही पालक का पराठा अच्छा बनने वाला है, और इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। और ये पालक हमारा 150 ग्राम था, तो अब इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे। तो अब इसमें अब हम हरी मिर्च डालेंगे, तो आप अपने जितना तीखा पसंद करते हो उसके अनुसार डालें। ये मैं 4 से 5 हरी मिर्च डाल रही हूँ उसमें, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से बारीक काट ली हूँ, छील करके धुल करके इसको मैं डाल दे रही हूँ। और ये कुछ 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं, मैंने छील करके धुल करके ले ली हूँ, इसको डाल दूँ। और इसके बाद थोड़ा सा कटा हरा धनिया इसमें डाल देंगे, इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह इसको ढक्कन लगा करके हम बारीक एकदम चटनी की तरह इसको पीस लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो 1 से 2 चम्मच हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन पहले हम इसी तरह से इसको पीस लेंगे। पालक को हमने अच्छे से एकदम चटनी की तरह पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा पिसा हुआ है। आप इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें गुठलियाँ नहीं है, एकदम बढ़िया सा पीस करके पेस्ट तो रेडी है। इसी तरह आपका भी पीस करके रेडी करने लगा है, आपको भी तो ऐसे ही होने चाहिए। अब इसमें हम इसमें 1 कटोरी हम गेहूं का आटा मिलाएंगे इस तरह से, और इसको हम फेंट लेंगे इस तरह से, मिक्स कर लेंगे। और इसमें यहाँ पे स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और 1 छोटा चम्मच चीनी मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से इसको हम मिला लेंगे चम्मच की सहायता से। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा आटा और डालेंगे, 1/2 कटोरी, यानी हमारा आटा हो गया है 1.5 कटोरी। आप कोई भी मेजरिंग कप या कटोरी ले सकते हैं। तो 1/2 कटोरी हमने इसमें आटा डाल दिया है, अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम फिर से पानी ऐड करेंगे इस तरह से। इसमें हम 1/2 कटोरी आटा डाले हैं, तो 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी पड़ेगा। इसी कटोरी से मैं आटा ली थी, इसी कटोरी से मैं पानी डाल रही हूँ। पानी एक बार में सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। एक पतला सा एक हम पेस्ट तैयार करेंगे मिलाते हुए, इस तरह से हो गया है। अब इसमें अब फिर से हम पानी डालेंगे, एक बार में पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा ना, गुठलियाँ बन जाएंगी, तो
तो हमको इसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसको मिलाते जाएंगे। अब इसमें ये पूरा पानी डाल देंगे कटोरी का, एक कटोरी इसमें पानी पड़ गया है और अब जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से और हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम विस्कर की सहायता से इस तरह से इसको हम अच्छे से पतला सा घोल बना लेंगे। अभी हमारा घोल गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम। तो इस तरह से हम बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से पतला घोल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऊपर से गिरा रही हूँ तो एक एकदम पूरा ऐसे पतला सा है। आप समझ जाइए कि कैसा बैटर होना चाहिए। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इससे अगर जो आपका बैटर पतला हो जाता है तो आप गेहूं का आटा मिला लीजिए, अगर जो इससे गाढ़ा है तो पानी मिला लीजिए। लेकिन मिला करके इस तरह से बैटर तैयार कर लीजिए। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये हम गेहूं के आटा में बना रही हूँ। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा चाहे आधा मैदा मिला सकते हैं। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पर रख देंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो गया है रेस्ट पर, अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं गैस ऑन करके एक तवा नॉन स्टिक रख दी हूँ। तब इस पर हम आयल थोड़ा सा लगाएंगे। आप आयल चाहे घी किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं चारों तरफ आयल इस तरह से लगा दूंगी। और इसको लगाने के बाद अब यहाँ पे हम जो ये हमारा बटर है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देंगे और इस तरह से थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, एकदम गोल सेट में आ जाएगा हमारा इस तरह से। बहुत इजीली आराम से आसानी से बन जाता है पराठा बनाने में, तनिक भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको हम ऊपर से जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक हम थोड़ा सा सीखने देंगे। जैसे जैसे सीखेगा ऊपर से ड्राई होता चला जाएगा। अब ये नीचे से अच्छे से सीख गया है, आप देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो गया है। तो इस तरह से हम इसको पलट देंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से सीख रहा है। इसमें ना बेलने की झंझट है ना आटा गूंथने का, ये बहुत ही ईजी और आसानी से बन जाता है। खाने में बहुत ही ये टेस्टी लगता है। तो इसको हम सेकने देंगे और थोड़ा सा साइड से हम तेल या घी लगा लेंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से सिक जाए। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर देंगे। इसको हम फिर से पलट लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं वाह, इसका कलर कितना प्यारा दिख रहा है और बहुत ही ये खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। तो बस कुछ ही सेकंडों में पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे हम प्रेस करेंगे तो ये फूलेगा। ये फूल करके एकदम साफ मुलायम एकदम बढ़िया सा पराठा बन करके हमारा तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बढ़िया पराठा बना है। तो इसी तरह बाकी के भी हम पराठे बना लेंगे। इसी तरह से ये भी हम इसी तरह से इस तरह से फैला लेंगे। एक रोटी का सेट दे देंगे पराठे का गोल सा। बनाना बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गर्मा गर्म पालक के पराठा सारा बन करके तैयार है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। इस तरह आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। और यदि अभी तक मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।